न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। केस्को की ऑनलाइन बिलिंग प्रणाली को अपग्रेड यानी उच्चीकरण किया जा रहा है। इसके लिए केस्को के चारों सर्कल का बिलिंग सिस्टम 22 फरवरी की रात 8 बजे से 10 मार्च को शाम 6 बजे तक बिलिंग, बिल संशोधन, मीटर बदलने के नाम परिवर्तन, पावर परिवर्तन, भार वृद्धि कार्य बाधित रहेंगे। इस अवधि में नए कनेक्शन और विद्युत बिल जमा करने के लिए कैश काउंटर यथावत खुले रहेंगे। केस्को के मीडिया प्रभारी श्रीकांत रंगीला ने बताया कि 10 मार्च की शाम 6 बजे के बाद ऑनलाइन बिलिंग प्रणाली शुरू हो जाएगी। भी कैश काउंटर पर जमा हो जाएंगे। बिल सिस्टम बाधित नहीं है। काउंटर डेली के सामान्य रूप से खुलते हैं, उसी तरह से खुलेंगे। बिल में जमा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा सिस्टम का उच्चीकरण किया जा रहा है, एक नई टेक्निक में ले जाया जा रहा है। तो उसके लिए बाकी जो कार्य हैं हमारे, अपना बिलिंग संबंधी लोड बढ़ाना घटाना या कोई और करेक्शन वगैरह, वो कुछ नहीं होगा। नहीं, हमारे विंडोज पर जमा करना। सीतापुर में पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचे। लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष सरोज तिवारी की लड़की की शादी कार्यक्रम में 2 दिन पहले पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा 24 घंटे 7 दिन 365 दिन भाजपा जनता के हर समय साथ रहती है। भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा पर वो निशाना साधते हुए नजर आए। कांग्रेस पार्टी को बताया कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी पिकनिक मनाने आती है। वही पूर्व डिप्टी सीएम ने सपा, कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी को बताया कि जितने भी दल हैं वो सभी गठबंधन कर ले, भाजपा की जड़े नहीं हिला सकते। सारंगपुर के गंगोह क्षेत्र में ठग गिरोह सक्रिय नजर आ रहे हैं। महिलाओं को नौकरी और प्रधानमंत्री राशन योजना बताकर महिलाओं से मोटी रकम ऐठी जा रही है। गिरोह महिलाओं से सैकड़ों आधार कार्ड आईडी के फॉर्म के नाम से प्रति आईडी 300 रुपए ले रहे हैं। महिलाओं ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि बुधवार को भी 2 महिलाओं ने कोतवाली गंगोह में तहरीर दी है कि राशन योजना के नाम से हजारों रुपए की ठगी की जा रही है। वहीं गुरुवार को फिर से ठगी का शिकार हुई युवती ने गंगोह सीओ ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। गंगोह क्षेत्र के ग्राम हाजीपुर की युवती ने प्रधानमंत्री राशन योजना के नाम पर कुछ लोगों के ऊपर ठगी के गंभीर आरोप लगाए। वहीं क्षेत्राधिकारी गंगोह ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जी, मेरा नाम शहजादिया और मैं हाजीपुर की रहने वाली हूँ। और आप क्षेत्राधिकारी के ऑफिस आए हैं, क्या मामला है? सर, हमारा मैटर ये है कि हमारे यहाँ पे 2 लड़के आए जिसका नाम मुस्तफा है, मुस्तफा हो गया सैजपुर से, और एक हो गया साकिर सिद्दीकी, ये छुटमलपुर से है। इन्होंने हमें कहा कि तुम्हें रोजगार की जरूरत है, हम तुम्हें रोजगार देंगे। तो सर, इन्होंने हमारे से बोला कि प्रत्येक आईडी पे 300-300 रुपए इकट्ठे करके दो, और राशन हम लोगों को वैसे तो फ्री दे रहे हैं, लेकिन आप 300-300 रुपए दो हमें प्रत्येक आईडी पे। और इन्होंने हमारे 300 रुपए लिए और हर एक व्यक्ति की आईडी ली। रायबरेली में 1 महीने से गायब मासूम बच्ची का कंकाल मिलने से जिले में हड़कंप मच गया। हेयरबेल्ट देखकर पिता ने अपनी मासूम बच्ची की पहचान की। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जोहाशर की गाँव का है, जहाँ 24 जनवरी को घर के सामने से खेलती हुई प्रज्ञा पुत्र बिंदादीन उम्र 5 साल अचानक गायब हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने थाने में दी। तब से पुलिस की कई टीमें लगातार मासूम बच्ची की तलाश कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी। आज गांव के बाहर एक बाग में एक लड़की का कंकाल और कुछ कपड़े मिलने की सूचना पर परिजनों ने खेलते समय बच्ची ने जो कपड़े पहने थे उसके कपड़े, बैग, हेयर बैंड से उसकी पहचान की है। जैसे ही मासूम बच्ची के शव मिलने की सूचना ग्रामीणों के लिए लगी तो घटनास्थल पर भारी भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस फॉरेंसिक टीम ने बारीकी से परीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेटी का कंकाल मिलने से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। भैया, जो पूरे वाली में लड़की की डेड बॉडी मिली है, कहां पर मिली थी? ये बाग में मिली है। क्या क्या मिला है? वहाँ मिला है चप्पल मिले हैं, बाल पट्टा मिला है, बाल मिले हैं, खोपड़ी मिली है, फ्राक मिली है, पैजमिया मिली है जो पहने हुई थी। बेटी कब से लापता थी? आज मान लीजिए 24 तारीख को लापता हुई। 1 महीना हो गया। 1 महीना मान लीजिए हो गया है। आधा शरीर नहीं मिला? नहीं मिला है, खाली खोपड़ी के अलावा और कोई अंग नहीं। ललितपुर से मेहरौनी की ओर जा रही बस में मेहरौनी की ओर से आ रहे 2 मोटरसाइकिल सवार जागरूक से। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और शव को मोर्चरी में रखवा दिया। मोटरसाइकिल सवार 22 साल का विकास विश्वकर्मा रामगोपाल निवासी खजूरिया थाना मेहरौनी, तो वहीं दूसरा 28 साल का अंकित महराजपुर थाना नराहट निवासी बताया जा रहा है, जो कि मेहरौनी से ललितपुर की ओर आ रहे थे।
रायबरेली के डलमऊ तहसील प्रशासन की उदासीनता के चलते महीनों से अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। एक पीड़ित बुजुर्ग ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र दिया, बताया कि दबंग भू माफिया उसकी सालों की कब्जे की जमीन को कौड़ियों के दाम बेच दिया है, जिसको लेकर शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई न होने को लेकर 23 फरवरी 2024 शुक्रवार को रायबरेली जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय में डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के कुरौली दमा गांव के रहने वाले पीड़ित बुजुर्ग राम कुमार द्विवेदी ने जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायती पत्र दिया है और जांच कर दबंग भू माफियाओं पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पीड़ित का कहना है कि मामले का शिकायती पत्र डलमऊ तहसील बधानी में दिया गया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामला कानपुर का, जो हनुमंत विहार थाना क्षेत्र में बीते दिनों मकान मालिक के द्वारा किरायेदार महिलाओं की जमकर पिटाई की गई थी, जहां घायल पीड़ितों ने कानपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई थी और आरोपियों को सजा दिलाने की अपील भी की थी। वहीं कानपुर कमिश्नर ने पीड़ित की फरियाद सुनकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। उसके बाद मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। कानपुर कमिश्नर से न्याय की अपील कर वापस घर जाने के बाद आरोपी मकान मालिक ने फिर से उनकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे सभी घायल महिलाओं ने डीसीपी से शिकायत करने गए लेकिन पुलिस अधिकारी व्यस्त होने के कारण घायलों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे आक्रोशित पीड़ित घायल ने दफ्तर पुलिस अधिकारी की गाड़ी के आगे लेटकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे डीसीपी साहब प्रमोद कुमार ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया और आरोपियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। मगर कार्यालय के बाहर निकलकर डीसीपी ने पीड़ित के अधिवक्ता को जमकर फटकार भी लगाई। क्या मामला हो गया था? कुछ नहीं, मारपीट का, वही परिवार वाले मारपीट करे थे हम लोगों के साथ में। कल आप लोग पुलिस कमिश्नर भी गए थे, हाँ, फिर आप ही लोग यहाँ पे आए, क्या कहा? वहीं से भेजा गया, वहीं से भेजा गया था हम लोग। क्या कह रहे थे? आप लोग उधर जाइएगा तो वहीं से आपकी कार्रवाई चालू हो। यहाँ पर कितने बजे आप लोग आ गए थे? हम लोग आ गए थे यहाँ पे 11 बजे, 11:30 बजे। तो अभी तक किसी ने सुना कि नहीं सुना? किसी ने नहीं सुना। हम लोग तब से तीन बार ये भी हो सोचे, अभी यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा। ये सुल्तानपुर पहुंचे अयोध्या के परमहंस आचार्य तपस्वी स्वामी ने दारुल उलूम द्वारा गजवाए हिंद को लेकर जारी किए गए फतवे पर बयान देते हुए कहा कि मैं केंद्र और राज्य सरकार से मांग करता हूं कि दारुल उलूम देवबंद पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि यहां से हजारों मदरसे संचालित होते हैं जिसमें करोड़ों मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। उनके अंदर जिस तरह से जहर भरा जा रहा है, एक सांप्रदायिक जहर हिंदू के विरोध में, ये निश्चित रूप से बेहद आपत्तिजनक है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम साधु संत और तमाम हिंदूवादी संगठन भारत में जितने मदरसे हैं तोड़कर फेंक देंगे। दारुल उलूम देवबंद ने जो फतवा जारी किया है कि गजवाए हिंद में मरने वाला जो मुसलमान है वो सबसे बड़ा शहीद है, ये भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का फतवा है, ये असंवैधानिक हिंसा है, फसाद और देश का माहौल बिगाड़ने वाला फतवा है, इसलिए इसमें बेहद आपत्ति है। एक बार देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, इसलिए दोबारा देश के पार्टीशन के अंदर अंदर जो खिचड़ी पक रही है वो बंद होनी चाहिए। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो भारत का हिंदू जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा, क्योंकि एक बार देश बटा है, अब देश हम लोग बटने नहीं देंगे। गठबंधन पहले बना था जो सनातन धर्म के विरोध में इनकी बयान आते थे, अब फिर से जो ये गठबंधन बन रहा है यह भी जो है भारतीय संस्कृति विरोधी है, संविधान विरोधी है, मानवता विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। इसलिए अब जो है जो कांग्रेस अभी कर्नाटक में जजिया कर लगाई है हिंदुओं पर, इनके गठबंधन से जनता अब जो है समझ गई है कि ये जो गठबंधन है ठग बंधन है, ये समाप्त हो जाएंगे। पुलिस अधीक्षक बहराइच के द्वारा थाना केसरगंज क्षेत्र में हुए जघन्य अपराध को 24 घंटे के अंदर अनावरण करते हुए सख्त दिशा निर्देश दिए गए। दिशा निर्देश के अनुपालन और अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकारी केसरगंज के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक राजनाथ सिंह के नेतृत्व में केसरगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त राजेश उर्फ लाला पुत्र स्वर्गीय पृथ्वी वर्मा को कई धाराओं और पॉस्को एक्ट में गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि अपने ही गाँव की नाबालिग लड़की जिसकी महज उम्र 6 साल थी, उसको बहला फुसलाकर सरसों के खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। रात में अपने भाई कल्लू वर्मा के सहयोग से शव को नहर के किनारे ले जाकर गन्ने के खेत में छिपा दिया और आकर गांव वालों के साथ मिलकर खुजवाने का बहाना करने लगा। उसकी निशानदेही पर शव बरामद कर लिया गया है और पुलिस के अथक प्रयास से इस घटना का अनावरण हो गया है। थाना कैसरगंज में 21/22 की रात्रि में एक 6 साल की नाबालिग लड़की के गायब होने पर पुलिस ने 363 का मुकदमा लिखा गया था। शक के आधार पर राजेश उर्फ लाला को पकड़ा गया था, जिसे पूछताछ करने पर उसने घटना को कबूल किया और फिर पुलिस ने उसको 376, 302, 201 में तर्मीन करके आज उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। उसका जो बड़ा भाई जो शव को ठिकाने लगाने में उसका मदद किया था, वो भी 201 के मुलजिम।
फरार चल रहा है उसे गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है। सिडकुल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन उत्तराखंड द्वारा जीएसटी पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उद्योग की तरफ से एडवोकेट ललित सचदेवा द्वारा किए गए उद्योगों से जुड़ी समस्याएं रखी गई। सिडकुल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र कुमार गर्ग द्वारा कार्यक्रम का उद्देश्य विभाग और उद्योगों के बीच में परस्पर संवाद स्थापित करना था। सिडकुल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन उत्तराखंड का उद्देश्य हमेशा से उद्योगों को विभागों से जोड़े रखना और उद्योगों की समस्याओं को अलग अलग प्लेटफॉर्म से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष रखना है। कार्यक्रम में नीलेश गुप्ता कमिश्नर सीजीएसटी देहरादून द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर अपने अपने विचार दिए गए। कई बिंदुओं को उद्योगों के सामने ही क्लेरिफाई किया गया। उद्योग प्रतिनिधियों को अपने अधिकारियों पर भरोसा करने को कहा और जीएसटी विभाग हमेशा से उद्योगों के हित के लिए अपने कार्यनीति में बदलाव कर रहा है। इस तरह की बातें यहाँ पर रखी गई। सर जो कार्यक्रम है क्या कार्यक्रम है बताएं उसके बारे में। आज का जो ये कार्यक्रम रखा गया है सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन उत्तराखंड की ओर से, क्योंकि उत्तराखंड पूरे भारत देश में व्यापार और उद्योगों के लिए बहुत अहम स्थान पर है इस समय, और किसी भी उद्योग का सबसे अहम जो कंपोनेंट है वो टैक्सेशन पार्ट जीएसटी है। आज के जो सेशन रखा गया है इंटरेक्टिव सेशन, इसमें हमारे एसजीएसटी और सीजीएसटी के कमिश्नर्स, सभी लोग असिस्टेंट कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, वरिष्ठ अधिकारियों की टीम के साथ यहाँ। सुल्तानपुर में सुबह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में दो महिलाओं समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया जिसका इलाज चल रहा है। दरअसल ये मामला है कूरे भार थाना क्षेत्र के सेवर गांव के पास का, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन पर 123 पर एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार दंपति सहित एक महिला की मौत हो गई, वहीं एक कार चालक विकास गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कार सवार रामचंद्र गुप्ता अपनी पत्नी आशा देवी और भाभी चिंता देवी के साथ फरदाबाद से बिहार के आरा जिले में जा रहे थे। कार राम गुप्ता का बेटा विकास चला रहा था। बहरहाल मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं साथ ही घायल विकास को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची यूपीडा स्थानीय पुलिस ने एक्सप्रेसवे का रास्ता क्लियर करवा दिया जिससे आवागमन सुलभ हो सका। क्या नाम है आपका? मनोज यादव। क्या लगते हैं आप? ये रिलेटेड है, मतलब बगल में। क्या हुई घटना, कुछ जानकारी है आप? वही बता रहे हैं, वहाँ डिवाइडर में लड़ी है गाड़ी। अच्छा, कैसे हुआ कुछ घटना आपको पूरी जानकारी नहीं? घटना पता नहीं, वो वहाँ के लोग बताए तो हम जाने। क्या लगते हैं आप इनके? ये रिलेटेड है, दूर ही गए, बगल में रहते हैं। तो गाड़ी में कौन कौन था, मतलब रिलेशन में आपके? वो चाची थी हमारी, चिंता देवी नाम है। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे ये लोग? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं निर्देशानुसार अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कृत कार्रवाई के अंतर्गत श्री राम मनोहर सिंह पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और सुशील कुमार क्षेत्राधिकारी बिल्स जनपद बदायूं के निकट पर्यवेक्षण में 23 तारीख को बिल्स पुलिस द्वारा रात में हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कब्जे से तमंचा कारतूस बरामद किया गया है और साथ ही साथ आभूषण भी बरामद किए हैं और 10,000 रुपये भी इनके पास से बरामद किया। आधार कार्ड, मोबाइल फोन भी पुलिस ने ढूंढ लिया है। ये सादाब पुत्र गुड्डू, जिसकी उम्र लगभग 26 वर्ष है, मोहल्ला नंबर 8 कस्बा बिलसी में रहता है। ये 26 वर्ष की उम्र में रहते हुए अकेले किसी गैंग के बिना अकेले घटनाएं करता था। 60 वर्ष से ऊपर की वृद्ध महिलाओं के कुंडल छीनता था। ये लगातार 60 वर्ष की महिलाओं को टारगेट करता था और ये पैदल ही घूमता। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के आम चुनाव से पहले पूरी तरीके से चुनावी मोड में नजर आ रही है। इसी क्रम में यूपी के सीतापुर में सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे। सीएम के साथ में सहकारिता मंत्री सीतापुर पहुंचे। राजस्थान के भजनलाल शर्मा लोकसभा क्लस्टर की बस में शिरकत करते हुए कार्यकर्ताओं को जीत का गुरु मंत्र देते हुए नजर आए। बता दें कि लोकसभा क्लस्टर बस में सीतापुर, मिश्रिख, हरदोई, लखीमपुर सहित धौरहरा लोकसभा के सभी सांसद, विधायक, मंत्री, जिला अध्यक्ष सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। सियासी मंथन को अगर देखा जाए तो यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की इस बैठक में पांचों लोकसभा, मिश्रिक, हरदोई, सीतापुर, धरोहर, लखीमपुर लोकसभा सीट पर चर्चा हो रही है। जनप्रतिनिधियों के कार्यों की भी समीक्षा हुई। कुल मिलाकर देखा जाए तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण देखी गई। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।